गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी सुबह स्टार्ट, और बस मैं फटाफट से मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो बस अब मैं लग गई हूँ पूजा करने में। और यहाँ पे पीहू भी आ गई थी मेरे साथ में, बैठ गई थी आके पूजा करने के लिए। तो अपनी गुड़िया लेकर के आती है हर जगह। तो आज पीहू का लास्ट एग्ज़ाम था, तो मैं ना 9:30 बजे पीहू को स्कूल से लेकर के आ गई थी, और 8:30 बजे तो मैं छोड़ने ही गई थी, और 9:30 बजे मुझे लाना था। तो बस मैंने 1 घंटे में अपना फटाफट सारा काम ख़त्म किया, और मैं पहले पीहू को लेने चली गई, फिर उसको स्कूल से लाने के बाद फिर मैं बैठी पूजा करने के लिए, क्योंकि अगर पूजा करने लगती ना तो फिर लेट हो जाता उसको लाने के लिए। और आज से पीहू के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म, और वो हो चुकी है बिल्कुल फ्री। 7 तारीख को उसकी कॉपीज़ दिखाई जाएंगी, जो भी वो करके आई है स्कूल में, जो भी लिख करके आई है, तो वो दिखाई जाएंगी, और उसी से क्लियर हो जाएगा कि ये मैडम आगे जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो देखते हैं 7 तारीख को क्या होता है। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ, मैं धूप बत्ती ही जलाती हूँ, मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, तो मुझे उसी को थोड़ा सा कहते हैं ना, उसको ले करके फिर हाथ से थोड़ा मलना पड़ता है, तो वही मैं कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने धूप बत्ती और घी का दीपक लगा दिया है, और अब मैं बस पूजा, मेरी बहुत नॉर्मल सी पूजा होती है फ्रेंड्स, और मुझे ज़्यादा पूजा नहीं आती है, लेकिन ये मेरा रूटीन है, जितनी भी आती है उतना मेरा रूटीन है। तो बहुत नॉर्मल सी पूजा कर ली मैंने। वैसे कुछ अगर अलग वो होता है या फिर कोई फेस्टिवल या कुछ होता है तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन डेली का तो इतना ही रहता है। तो भगवान में थोड़ा सा भोग लगा दिया, और उसके बाद दीपक लगा दिया और हाथ जोड़ लिए। तो बस हो चुकी है मेरी पूजा, और पीहू बैठी थी तो भाग गई, मैं उसको बिठा लेती हूँ साथ में, और बिठाना भी चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा सा सिखाना चाहिए पूजा पाठ वगैरह, अच्छा ही होता है फ्रेंड्स। मतलब ये तो अच्छी बात है ना, कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा भक्ति भाव ज़रूर रहना ही चाहिए, तो अच्छी बात होती है। तो बस पूजा हो जाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना मैं जल्दी जल्दी चली गई थी पीहू को लेने के लिए, क्योंकि 1 ही घंटा था मुझे मिला था, और 1 घंटे में मुझे सारे ही काम करने थे, तो मेरे थोड़े से बर्तन पड़े थे, केवल चाय के पड़े थे, और वो मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं काम छोड़ती नहीं हूँ, वो मैं भूल गई थी, इस वजह से नहीं धो पाई। जब मैं बाद में आई किचन में तो मैंने देखा कि बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा लो उसको वॉश ही कर देती हूँ, तो बस मैं उसी में लग गई थी बर्तन वॉश करने में। और बाकी मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था, झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह धो के नहाना, और बाहर भी मुझे धुलाई करनी पड़ती है क्योंकि गार्डन है ना, तो वहाँ पे भी उस एरिया को भी थोड़ा सा क्लीन करना ही पड़ता है, तो वो सब मैंने कर लिया था। तो 1 घंटे में अब कितना टाइम होता है, मतलब उतने से ही टाइम में फिर मैंने फटाफट से सारा काम ख़त्म करके, और फिर मैं गई थी पीहू को लेने के लिए स्कूल। तो बस मेरे थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो मैं उसी को वॉश कर रही थी। तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहला काम मुझे लगा कि पूजा करना चाहिए, क्योंकि फिर हाथ जूठे हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने पहले पूजा कर ली, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और सॉरी, थोड़ा सा ना गला बैठा हुआ है, ये जो सीज़न चल रहा है ना ये बहुत ख़राब चल रहा है सभी के लिए, बस बीमारियां हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सभी के लिए यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आज से पीयू के स्कूल बंद हो चुके हैं, और उसकी वाटर बॉटल जो थी, वैसे तो मैं धो ही देती थी, लेकिन वो डेली लेके जा रही थी उस टाइम पे, तो नहीं मतलब डेली नहीं धोती थी, पानी निकाल के उसका जो फेंक करके उसको अंदर से साफ़ करके रख देती थी, बट आज मैंने बाहर से भी उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अब उसको रखना ही है मुझे, तो अब तो वो लेके नहीं जाएगी। अब उसका 1 अप्रैल से अगर पास हो जाती तो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए कॉपी किताबें ये सब अरेंज करवानी पड़ेंगी, तो वो तो चलो अभी उसमें टाइम है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये एकदम ब्लैक था, जैसे कि अब ये छूटने के बाद में जो कलर दिख रहा है ना धब्बे से, ये ऐसे ही था प्लेटफॉर्म। अब मैंने तो इसमें पेंट कर दिया था क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन अब वो पेंट क्या है ना धीरे धीरे पोछते पोछते हट रहा है।
तो यहाँ पे ये पीहू की जो ड्रेस थी वो रखी हुई है, और ये मुझे धो के रखनी है। आज उसकी वाइट ड्रेस थी तो ये मुझे धो कर के रखनी है, लेकिन अब मैं नहा चुकी हूँ और कपड़े वगैरह सारे वॉश कर चुकी हूँ, तो मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे करके बाथरूम में टांग दूँगी, और जैसे ही टाइम मिल जाएगा वैसे ही धो लूँगी। मतलब अगर टांग दूँगी बाथरूम में तो ध्यान रहेगा कि हाँ, जितनी बार भी जाऊँगी तो रहेगा कि हाँ यार ये कपड़े धोने हैं, तो इस वजह से मैंने वहीं पे टांग दिए हैं बाथरूम में, और जब भी टाइम मिल जाएगा मैं धो लूँगी। आज ही धो लूँगी, सुबह से लेकर शाम तक, कभी भी दोपहर में भी धो के डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो मेरी दाल भी बन के रेडी हो चुकी है, और मैं ना दाल में ही टमाटर डाल देती हूँ, वो अच्छे से हो जाते हैं फ्रेंड्स, दाल में ही पक जाते हैं, और जो उसका छिलका है ना वो अलग ही निकल आता है पूरा। तो मैं इसी तरह से डाल देती हूँ, बहुत लोग कट करके डाल देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ऊपर से, मतलब जो टमाटर होता है ना उसके ऊपर में हल्का सा कट मार के मैं छोड़ देती हूँ, धो करके उसमें दाल में ही डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरे पूरे जितने उसके छिलके होते हैं ना वो सारे ही अच्छे से बाहर निकल आते हैं, और बस उसको फिर मैं कर देती हूँ दाल में मिक्स। तो बस ये मेरी हो चुकी है दाल, मैंने सारे टमाटर, दो टमाटर डाले थे इतनी दाल में, तो मेरे अच्छे से उसी में, मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ। तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी ना, तो मैं केवल हींग और जीरे का तड़का ही लगा दूँगी, तो भी बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि टमाटर उसमें ऑलरेडी रहता है। तो ये मैंने पीहू के लिए दाल निकाली है, और वो चमचा भी मैंने धो के रख दिया है, उसको मैंने पानी से ही वॉश कर दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने दाल ही तो निकाली थी, मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके रख दिया है। और मेरा प्लेटफॉर्म अब बहुत गंदा लगने लगा है, मुझे इसको फिर पेंट करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मेरी पीहू मैडम चेयर, इसकी छोटी वाली चेयर है ना, ये रख करके कहीं पर भी चढ़ जाती है, अब हर जगह चढ़ जाती है, कहीं पर भी, मतलब चेयर पर चढ़ के अपना और कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो बस इसको भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा हुआ है, तो ये बैठ के देख रही थी मोटू पतलू, अब तो फ्री हो चुकी है, तो मैंने कहा चलो भाई अब देखो मोटू पतलू थोड़े दिन एंजॉय करो, क्योंकि इतने छोटी सी एज में और ज़्यादा बर्डन भी अच्छा नहीं है। तो मैंने इसको गरम गरम दाल में इसको खिला रही थी, इसमें मैंने घी नहीं डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको जुकाम था, तो मैंने कहा घी नहीं डालते हैं, और दाल तो बहुत अच्छी होती है, वैसे भी अच्छी होती है दाल, तो बच्चों को खिला देनी चाहिए, तो मैं हमेशा ऐसे खिला देती हूँ, वैसे घी डाल देती हूँ, मगर आज जुकाम है तो मैंने घी नहीं डाला दाल में, और मैं ऐसे इसको ठंडा कर करके खिला देती हूँ। तो मैंने इससे बोला कि पीहू तुम अपने हाथ से धीरे धीरे से खाओ, तब तक मैं और भी काम देख लेती हूँ, क्योंकि और भी काम मेरे सारे पड़े थे। और ये पेन ले करके ना अपनी गुड़िया की कहीं लिपस्टिक लगा रही थी, कहीं उसकी आईब्रोज कर रही थी, और मोटू पतलू देखती जा रही थी, और मैंने नोज़ी के लिए इसकी एक हैंकी रख दिया था कि बेटा इसी में पोछना नोज़ी, और ये खा लो अच्छे से ठंडा करके, धीरे धीरे खा लो, तो ये अपना खाती रहेगी। और ये जो चेयर है ना, ये हर जगह ला के रख देती, तो भाई मैं इसकी चेयर लेके जा रही थी तो ये कह रही थी मम्मा मेरी चेयर है, तो मैंने कहा कि मैं अंदर वाले रूम में रख रही हूँ, तुम खा लो, आराम से खा लेती है। तो मैंने थोड़ी देर इसके ऊपर कैमरा रखा हुआ है कि क्या कर रही है। तो बस फ्रेंड्स तैयारी करते हैं अपने लंच की, तो मैं यहाँ पे लेकर के आ गई हूँ सारी सब्जियाँ, तो ये बंद गोभी है, ये मटर है, ये बीन्स है, और मैं इस तरह से पूरी सब्जी लेकर के आ गई हूँ, और मैं आराम से बैठ करके यहीं पे काट लूँगी। अब तो ठंड चली गई है, गर्मी आ चुकी है, तो ऐसे ही बैठ करके आराम से ज़मीन में बैठ जाओ अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे बंद गोभी भी लेकर के आई थी, लेकिन फिर ना मुझे लगा नहीं बंद गोभी नहीं डालते हैं, पहले मैं मिक्स सब्ज़ी बनाने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यार चलो बंद गोभी नहीं डालते, बीन्स काफ़ी हो गई थी, और बीन्स काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने कहा बीन्स ही ख़त्म कर लेते हैं पहले। तो मैंने अभी यहाँ पे मैं बीन्स काट रही हूँ, और बीन्स मैं कुछ अलग तरीके से काट रही हूँ, मतलब लंबी लंबी काट रही हूँ, बीच से उसको कट करके फिर मैं लंबा लंबा कट कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैं बीन्स काट लूँगी, और मटर छील लूँगी, और बंद गोभी नहीं डालूँगी, और उसकी जगह एक आलू डाल दूँगी, और बस वही प्याज लहसुन हरी मिर्च ये सब कट करने के बाद बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे कट हो चुकी थी मेरी सब्ज़ी, मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, और ये देखिए मेरी सब्ज़ी हो चुकी है, ये सब भी मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से, और ये है हरी धनिया, इसे मुझे अभी धो के काटना, वैसे तो धुली रखी है लेकिन एक बार और धोऊंगी। तो ये सब गार्डन से आती रहती हैं, हमारे यहाँ सबने लगा रखा हुआ है ना, तो कोई ना कोई दे ही जाता है, तो बस ये मैंने डाल दिया था।
पहले तो जीरा डाल दिया था, उसके बाद डाल दी थी छोटी छोटी, मैंने अदरक भी कट करके रखी थी, तो अदरक डाली, लहसुन डाला, प्याज डाला, और अब इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, इसको अच्छे से चला लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी, क्योंकि तेल में ही भुन जाएगी तो कच्चीपन नहीं रहेगा। इसी तरह से मैं थोड़ा सा चला लूँगी सारे मसाले डाल के, और फटाफट से डाल दूँगी। तो बीन्स मैंने लंबी लंबी कट करके बनाई थी, देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी और खाने में भी अच्छी ही लगी थी। तो इस टाइम पता क्या हो रहा है, इतनी मतलब सर्दी जुकाम सबको हो रहा है ना, तो गला एकदम ऐसा लग रहा है जैसे चोक हो गया है, बिल्कुल बोलते ही नहीं बन रहा, आवाज़ ही नहीं निकल रही है गले से, इस टाइप का हो गया है। तो जब तक मेरी बन रही थी वहाँ पे सब्जी, मैंने सोचा कि भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हाथ में कुछ लगाया ना पैरों में, तो अभी तो रूखापन थोड़ा सा हो ही जाता है, वैसे तो मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन अभी ठंड है तो थोड़ा सा होता है, मतलब उतनी ठंड नहीं है, लेकिन हाथ पैर अभी ना रुखे रुखे से होते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लिया जाए, काम तो फिर ज़िंदगी भर ही करना है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गार्नियर का, इसमें सनस्क्रीन भी है, तो बस इसको लगा लो, बट इसको तो मुझे जाने से पहले बाहर लगाना चाहिए था, तो उस टाइम मैं भूल गई थी यार, बहुत जल्दी जल्दी भाग के गई थी, इस वजह से। ये लाइट कॉम्प्लेक्शन सीरम टाइप है, मॉइस्चराइज़र है, तो ये अच्छा है, इसमें SPF भी है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे शूट होता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉन्ड्स का पाउडर लगा लूँगी, और डेली के लिए अच्छा है, अपनी स्किन की भी केयर करनी चाहिए ना, घर के काम तो होते ही रहते हैं, अपनी स्किन की केयर भी करनी चाहिए। और ये मेरा वॉश बेसिन का एरिया है, ये है निविया के लिप ग्लॉस ही बोल सकते हैं, और बहुत ही अच्छे हैं गाइस, आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर। एक रेड है और एक पिंक है, तो दोनों ही बहुत अच्छे। तो बस यहाँ पर स्किन केयर भी हो चुका है मेरा, और मैं आ गई हूँ, और बस अब देखती हूँ अपनी सब्ज़ी चेक करती हूँ, तो सब्ज़ी मेरी नॉर्मली एकदम बन के रेडी होने वाली है, थोड़ा सा और लेगी ये, 5-2 मिनट लेगी और, बस उसके बाद हो जाएगी बन करके रेडी। तो ये देखिए, ये हरा धनिया मैंने डाल दिया था, और ये मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी। तो अब मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ दाल का में तड़का, तो आज मैं ना जीरा और हींग से नहीं, आज मैं सब कुछ मैंने काट के रख लिया था, तो मैंने कहा चलो उसी टाइप से लगा लेते हैं, दाल फ्राई जैसे बनती है उसी टाइप का। टमाटर तो मैंने ऑलरेडी ही डाल दिया था उसमें, तो बस यहाँ पे ऑयल रख दिया है जो कि हो चुका है अच्छे से गरम, और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी, सबसे पहले जीरा डाल दूँगी, हाँ, और उसके बाद मैं डाल दूँगी वही जो मैंने सब काट के रखा था, पहले मैं लहसुन डाल दूँगी, उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी, थोड़ी देर के बाद मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची, क्योंकि तेज़ था ना ऑयल, काफ़ी गर्म हो चुका था इसलिए नहीं डाला। और बस ये हो चुका है अच्छे से रेडी, और इसी में मैंने थोड़े से मसाले भी ऐड करे हैं, जैसे गरम मसाला मैंने डाल दिया था थोड़ा सा, और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी अपनी दाल। तो दाल मेरी हो चुकी थी गाढ़ी रखे रखे, तो इसमें मैं थोड़ा सा वही जो जिस बर्तन में निकाला था ना उसी को मैं थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा सा पानी में डाल देती हूँ, अब मैं इसको एक बॉयल आने तक पकाऊँगी। तो आ चुका है हमारी दाल में एक बॉईल, और मैंने डाल दिया यहाँ पे हरा धनिया, तो बस बन चुकी है हमारी दाल भी रेडी। और आज मैं रोटी नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, आज मैंने केवल चावल बनाए हैं और सब्जी और दाल। तो बस बन चुका है हमारा लंच, और ये मैं लेके आ भी चुकी हूँ, क्योंकि बनाते बनाते टाइम हो गया था, और जल्दी के चक्कर में मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, इस वजह से भूख लगी थी। तो आ जाइए आप भी कर लीजिए लंच। और ये मैं क्या कर रही थी ये मुझे नहीं